मांडलगढ़ से। गुर्जर समाज मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समस्त गुर्जर समाज की ओर से गुर्जर सम्राट मिहिर बोध जयंती का आयोजन गुर्जर धर्मशाला त्रिवेणी संगम पर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी ने गुर्जर सम्राट मिहिर बोध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर इतिहास से प्रेरणा लेकर वर्तमान में समाज हित में कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं सरकारी सेवाओं में नव चयनित युवाओं का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर उप जिला प्रमुख शंकर लाल गुर्जर, वीर गुर्जर समाज त्रिवेणी संगम संस्थान के अध्यक्ष कन्हैया लाल गुर्जर, राजस्थान गुर्जर महासभा के मेवाड़ संभाग अध्यक्ष शांतिलाल गुर्जर, राष्ट्रीय वीर गुर्जर महासभा के तहसील अध्यक्ष सोराम गुर्जर, भैरूलाल गुर्जर, छीतर गुर्जर, भूतर गुर्जर, पूर्व सीआर रतनलाल गुर्जर, शंकरलाल गुर्जर, महेंद्र गुर्जर, सीताराम गुर्जर, बाबूलाल गुर्जर, पन्नालाल गुर्जर, नंदलाल गुर्जर सहित अनेक लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी ने गुर्जर समाज में शैक्षणिक जागरूकता के लिए मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर छात्रावास निर्माण के लिए गुर्जर समाज मांडलगढ़ की पंजीकृत संस्था वीर गुर्जर समाज त्रिवेणी संगम संस्थान की ओर से गुर्जर छात्रावास निर्माण कमेटी मांडलगढ़ का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष नंदलाल गुर्जर रड़ा, सचिव राजूलाल गुर्जर, उपाध्यक्ष धोकलाल गुर्जर एवं कन्हैयालाल गुर्जर, अध्यक्ष वीर गुर्जर समाज त्रिवेणी संगम संस्थान भैरूलाल गुर्जर, शिवकुमार गुर्जर सरपंच प्रतिनिधि, सूरजबल गुर्जर सरपंच प्रतिनिधि को संरक्षक बनाया गया एवं कार्यकारिणी में 211 सदस्यों की शामिल किया गया। गुर्जर छात्रावास निर्माण के लिए 1000 रुपए प्रति सदस्य सहयोग लिया जाएगा।